सिक्स का स्टूडेंट्स कंटिन्यू द पोइम अ टीचर फॉर ऑल लेसिल्स लास्ट हमने किया था सेकेंड स्टैंडर्ड जिसमें बताया गया टीचर का जो नेचर है कैसे बच्चों के लिए हमेशा वो उस, उसका एक वार्म नेचर होता है जैसे सन होता है ना वार्म जो खुद बन करता है बट दूसरों को लाइट प्रोवाइड करता है रोशनी देता है द सेम एज फॉर द टीचर अ टीचर इज लाइक फॉल विद मैथड्स की स्पेंड क्लियर लेसन ऑफ ब्राइट कलर्स एंड अ हैप्पी एटमोसफेयर कहते हैं टीचर जो होता है फॉल फॉल मीन्स ऑटम ऑटम की सीजन की तरह होता है उसके जो मैथड्स है उसके पढ़ाने का तरीका क्रिस्प क्रिस्प होता है शार्प और क्लियर क्रिस्प एंड क्लियर सेम थिंग उसके जो मैथड्स हमेशा क्लियर होते हैं लेसन ऑफ ब्राइट कलर्स एंड अ हैप्पी एटमोसफेयर वो जो लेसन को एक ब्राइट कलर्स दे देती हैं अच्छे से इतना अच्छे से पढ़ाती है कि बच्चे का इंटरेस्ट बन जाता है बच्चे वो एटमोसफेयर उनका बड़ा हैप्पी हो जाता है बच्चे खुश होते हैं वो सुन के इंजॉय करते हैं अ टीचर्स लाइक विंटर वाइल इट्स नोइंग हार्ड आउटसाइड कीपिंग स्टूडेंट कम्फर्टेबल एज अ वेल्पफुल गाइड विंटर में बहुत ठंडी होती है बहुत स्नो पड़ रही होती है बाहर बट एक टीचर क्या करता है जैसे कि विंटर चाहे जितनी मर्जी हो सिचुएशन ऐसी भी जितने मर्जी डिफ़िकल्टीज हो बाहर से बट वो टीचर जो एक बच्चों को हमेशा कंफर्टेबल रखता है एज अ वाम एंड हेल्पफुल गाइड वो उनको हमेशा गाइड कराता है कि क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको हमेशा उनको हमेशा अच्छा रास्ता दिखाता है जैसे कि विंटर में चाहे जितनी उसने कंपेरिजन किया गया जैसे विंटर में स्नो हो रही होती है बट टीचर जब उसमें एक स्टूडेंट के लाइफ में या कुछ उसे कुछ भी डाउट होता है उसे कुछ भी पूछना होता है तो वो एज उसको गाइड काम करता है उसको गाइड करता है उसे क्या करना चाहिए उसे नहीं करना चाहिए टीचर यू डू ऑल दिस थिंग्स विद अ प्लेजेंट एटीट्यूड लास्ट में इन द लास्ट टाइम वो ग्रेटिट्यूड uh, ग्रैटिट्यूड uh, तो पे कर है ग्रेटिट्यूड मीन टू थैंक समबदी तो वो टीचर का ग्रेटिट्यूड पे करा है कि टीचर तुम तो इतना सारा कुछ करते हो तो ये जैसे हमारी जिंदगी के चारों सिचुएशंस होती हैं वैसे चारों मौसम है ये होल ऑफ द ईयर के तो जैसे चारों सा... साल में चार ये मौसम आते हैं वैसे बहुत सिचुएशंस होती हैं तो टीचर क्या करता है वह हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है बट बच्चों को महसूस कुछ नहीं होने देता कि उनके लिए कोई डिफिकल्टी है विद अ प्लेसेंट एटीट्यूड उसका एटीट्यूड उसका नेचर जो होता है बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट्स की तरफ यू आर ए टीचर फॉर ऑल सीजन तुम जो हो टीचर्स सारे सीजन सीजन यहाँ पे क्या हैं सीजन बच्चों के कोई भी सिचुएशन डाउट्स कुछ भी हो सकता है एंड यू हैव माय ग्रेटिट्यूड और मैं तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ कि तुम हर सिचुएशन में बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो और उनकी हमेशा हेल्प करते हो उन्हें गाइड करते हो उनके डाउट्स को क्लियर करते हो उनके गाइड बन उनके लेसन को और इंटरेस्टिंग बना के उनको पढ़ाते हो